जूनियर को लेकर अनकंडीशनल की भाई सीनियर में जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सीनियर गलत है सही नहीं होता, सीनियर सीनियर होता है। जैसे बाप सही गलत के गरीब अमीर नहीं होता, बाप बाप ही होता है। यस या नहीं? तो आप में से बहुत सारे लोगों को या मैं सिस्टम में जो नए लोग आ रहे हैं उनके फेलियर का एक बहुत मेजर कारण क्या है कि वो जज करने की कोशिश करते हैं कि उसका सीनियर कैसा है। जब आप ये जज करने की कोशिश करोगे कि मेरा पापा कैसा है, मम्मी कैसा है, मेरा सीनियर कैसा है, वहीं से आपका लर्निंग स्टॉप हो जाएगा और आप अपने आप को बेहतर मानने लगोगे सामने वाले व्यक्ति से। तो जब सामने वाले को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे कि वो आपसे बेटर है, तो अपने आप जो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है और आपका सक्सेस जो मिल सकता है शायद वो आपके फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपनी ने 23 इयर्स में जो बहुत सारे चेंजेस किए उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड निकल कर आया जिसको अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू देते हैं, इवॉल्व करना। इवॉल्व यानी कि अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन क्या है कि समय के साथ जब मान लेते हैं आप कई लोग 5 साल पहले से बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग 6 साल से, कई लोग 15 साल से, कोई 6 महीने से बिजनेस को कर रहा है, कोई 1 साल से। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे आप टाइम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपका एज बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे आपका जो सराउंडिंग बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, उसका करने का तरीका अपने आप चेंज हो रहा है। कि आज कोई कंपनी को जानना चाहे तो आपसे वो प्लान शो सुनकर भी जाता है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में चला जाता है, कई बार यूट्यूब पर चला जाता है, कई बार वो फेसबुक पर चला जाता है। लेकिन 18 साल पहले ऐसा कोई सिस्टम, हम ही इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें ही गाड़ी से उतर के लैपटॉप में डोंगल लगा के फिर उसमें नेटवर्क आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन समय के साथ जब चेंजेस हुआ तो क्या आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है, वही डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में आप ग्रो करेंगे या डीग्रो करेंगे। तो कंपनी जब कोई भी चीज़ लाता है, हर चीज़ को मार्केट में सेल एक ही व्यक्ति कर रहा है, दैट इज द एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। यस कैन यस प्लान्स ऑफ मंडी का लिस्ट कौन बना रहा है, फॉलोअप कौन कर रहा है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज लेकर आऊँ जो आपको पसंद ही नहीं है और मार्केट में जिसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो वो चीज लाने के पीछे बहुत सारा एफर्ट लगता है। यानी कि कोई भी चीज जो आज आप अपने बीच में आप देखते हो, चाहे वो एक 50 रुपये का प्रोडक्ट हो या 18,000 का प्रोडक्ट हो, हर चीज को आपके बीच में या कस्टमर तक पहुँचाने के लिए बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा लगता है कंपनी का। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती या मार्केट में डिमांड ही नहीं है, अगर हम लेकर भी आते हैं तो वो आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट नहीं देगा और कंपनी को भी प्रॉफिट नहीं देगा। यस या नहीं? तो जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये 2 पैरामीटर से ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिजिकल एजुकेशन का नीड शायद ही कभी दुनिया में खत्म हो, क्योंकि फिजिकल जो चीज़ आप इस तरह के हॉल में बैठकर सीखते हैं वो कभी भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं सीख सकते। इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना, यहाँ पर फेस टू फेस लोगों से मिलना, एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ये लर्निंग अलग ही है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। जहाँ पर अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग एक साथ जब मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में एक बच्चा कहीं और बैठा है, कहीं और बैठा है, तो उसका जो नीड है वो विद द टाइम सोसाइटी में बढ़ेगा, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का नीड वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे रीजंस हैं। तो आप ऐसे कई लोग का ये सोच है कि क्या सर फिजिकल एजुकेशन का जो सिस्टम है कंपनी उसके बारे में बंद करने के बारे में या उसको कम करने के बारे में सोच रही है? ऐसा नहीं है। आपको बता दूँ लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट हमने 70 करोड़ का जो बिजनेस किया है फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही, 70 करोड़ का बिजनेस उसके बदले आपका कमीशन, उसके बदले आपका बोनस लगता है। यस यस भाई, आपका अगर 80 करोड़ रुपए मैंने एजुकेशन से बिजनेस किया है और कंपनी का ऑलमोस्ट 180-190 करोड़ के आसपास बिजनेस किया है, तो आप कमीशन को अगर जो तो इतना कमीशन मार्केट के अंदर गया, कितनी इनकम लोगों पर गई, कितनी
किया, कितने लोगों ने रिटेल से बहुत सारे बेनिफिट लिए, किसी ने वी मार्ट से इनकम की। तो कंपनी जब ग्रो करेगी तभी आप लोग का बिजनेस या आपकी इनकम या आपका फ्यूचर और ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार कंपनी और एसोसिएट के बीच में रहता है यार, कंपनी का 500 करोड़ होगा तो मेरा क्या बेनिफिट है। तो कंपनी का अगर 500 करोड़ होगा तो बिना नंबर ऑफ अचीवर इंक्रीज किए वो नहीं हो सकता। यस यस भाई, नंबर ऑफ डायमंड भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एमराल्ड भी बढ़ेंगे, सफाया भी बढ़ेंगे, तब जाके कंपनी का 500 करोड़ अचीव होगा। सेम सेट ऑफ अचीवर्स के साथ कंपनी बड़े नंबर अचीव नहीं कर सकती। तो हम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर करोड़ों लोग एक ही गोल की ओर भाग रहे हैं। जिस दिन स्मार्ट वैल्यू 1000 करोड़ होगा तो शायद हमारे सिस्टम में किसी के पास लैम्बोर्गिनी भी होगा। यस आया ना। यस भाई, हमारा सिस्टम जिस दिन 2000 करोड़ करेगा शायद किसी का अपना प्राइवेट प्लेन भी हो सकता है। लेकिन जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगा हम दोनों लोग उसी जगह पर उसी इनकम के अंदर रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, नीचे के अचीवर्स आगे नहीं आ पाएंगे। तो कंपनी जब कोई नया चीज लेकर आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कहते ना किसी चीज को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। ज्यादातर माइंड सेट क्या है, जब कोई आपसे बात करता है या किसी को देते हैं तो ज्यादातर माइंड सेट क्या होता है कि या तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा। यस और नो में हम बिलीव करते हैं, यस या नो। लेकिन हम ये समझना नहीं चाहते कि सामने वाला जो बता रहा है पहले से समझते हैं फिर डिसाइड करेंगे इसको लेना है या। तो पहले से ही ह्यूमन नेचर ऐसा डिसाइड है कि वो हम या तो यस या तो नो में बिलीव करते हैं, समझने वाली साइकोलॉजी में नहीं जाते। तो जितने भी विजनरी लोग होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। आप शायद बड़े से बड़े आप टाटा जी से भी मिलो और उनको शायद उस बिजनेस के बारे में बताओ कि टाटा जी आप इस तरह का कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कीजिए, तो वो आपको नो यस नहीं बोलेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो बोलेंगे भाई ये बिजनेस है क्या, कैसे होता है, थोड़ा बैठ के मुझे समझाओ पूरा डिटेल। वो आपसे 50 तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, जब उनको आंसर मिलेगा तो लगेंगे हो सकता है कि वो आपके इस बिजनेस के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करें। बैंक में आप जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी आपके सिस्टम को समझता है, आपको यस और नो नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सर मालूम है अगर ये बिजनेस ग्रो करेगा तो बैंक को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, यस या नो। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि इवॉल्व, समय के साथ परिवर्तन को समझना और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने से ही आपके बड़े लेवल, बड़ी इनकम और बड़े अचीवमेंट हो सकते हैं। आप सोचिए कि 9-10 करोड़ में जो मेरा ऑनलाइन बिजनेस हुआ उस बिजनेस से भी बहुत सारे माइल्स जनरेट हुए होंगे या नहीं हुए, और उन माइल के बदले बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अपने छोटे छोटे गोल्स या बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया हो, किसी ने बाइक अचीव की हो, किसी ने कार अचीव किया हो, यस या नो। यस। तो वी जस्ट ट्राई। तो मेरा ये जो सेशन है वो हमारे नए प्रोग्राम जिसका नाम है स्मार्ट वेब टेक, नाम सुना है? स्मार्ट वेब आया ना। यस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान देना कि इस साल यानी कि जो हमारे एजुकेशन कॉम्बो थे फिजिकल उसमें 600 रुपये दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर काम पड़ा। यस यानी कि आईटी स्मार्ट हो गया 15600 और आपका स्मार्ट कॉम्बस हो गया 18,999। गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि सर ये क्यों, आप एक चीज को समझिए, विद द टाइम हर चीज का प्राइस बढ़ेगा माइनस नहीं होगा। अब एक चीज समझने की है, आप जब एसोसिएट किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्राइस एंड माइल्स। यस यस या नो। यस। आज भी अगर आप देखें, अगर 18,999 को हम ले तो इसमें कितना माइल मिलता है? 125। 125 माइल्स। यस या नो। पर माइल कितना हुआ तो बोल पाएंगे? पर माइल एक बेसिक, इस कोर्स को लाने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी चीजें तो क्या है, टेक्निकल है, बात करते करते आप उसको समझ। कितना हुआ? 145 यानी कि 145 ले लो जी, 145 पर माइल्स। माइल्स ये समझ में आता है, इसको नहीं आता मुझे बताना। कोई भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन माइल्स और प्राइस पर होती है, सेम। यस। और आईटी स्मार्ट आता था आपका 15,000 में लास्ट ईयर तक, यस या नो। और अगर आप देखें तो आईटी स्मार्ट था 150 रुपीस पर माइल उस समय भी,
और अभी भी स्मार्ट कॉमर्स को देखेंगे तो वो उससे कम ही आ रही है, तो और बढ़ गया से भी प्लस हो गया। अब अगर आप देखो डिजिटल राइस, यानी कि अगर आप बात करें उड़ीसा के अंदर बहुत सारे डीलर्स हैं डिजिटल राइस को रिकमेंड किया, आपके फील्ड में आपने सेल भी किया और उसका आपको बेनिफिट भी मिला, तो डिजिटल राइस आता है 6799 कितना माइल से, तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट 137 पर माइल, यानी कि 137 रुपीज पर माइल। यस यस, गलत तो नहीं बोल रहा। अब आप स्मार्ट वेब पे देखिए डबल लाइन यस 75 माइल और ये आ रहा है आपको ऑलमोस्ट 134 रुपए पर माइल। यानी कि कंपनी ने जहाँ पर 600 रुपए फिजिकल में बढ़ाया, वहीं पर ऑनलाइन में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसका दाम पहले से भी कम है और माइल्स ज्यादा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, विद द टाइम एजुकेशन का जो प्राइस है, मैं अपना एजुकेशन का नहीं बोलूंगा, आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे का पढ़ाई अगर किसी भी जगह पर हो रहा है प्राइवेट स्कूल में, हर साल उसका फीस बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन लेने जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यस या नो? क्यों बढ़ेगा? रीजन क्या, अगर आप बेसिक रीजन देखो कि वही एसी जिस स्कूल के अंदर एसी लगाए इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जा रहा है, टीचर का सैलरी बढ़ जा रहा है। यस या नो? जहां पर जिस इंफ्रा में बैठे हैं अगर रेंट पे भी लिया है आपने तो उसका रेंट बढ़ेगा हर साल, रेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपको अगर बच्चे को क्वालिटी सर्विस देनी है तो आप प्राइस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो प्राइस कौन पे करता है? गार्जियन पे। लेकिन जब आप सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आप कंट्रोल कर पाते हैं। मुझे चेयर नहीं लगाना, मुझे एसी नहीं लगाना, मुझे फैन नहीं लगाना, मुझे कोई इंफ्रा डेवलप ही नहीं करना, मुझे तो एक ट्रेनर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन लेसर प्राइस में चाहिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको कम दाम में चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। आप बिलीव करें या ना करें, इंडिया के अंदर ई स्कूल्स यानी कि ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे गार्डन अपने बच्चों को उन स्कूल के अंदर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्राइस है स्कूल में पढ़ने का और घर में पढ़ने का उसका 50% का गैप है। मान लेते स्कूल में जाकर साल का 1 लाख रुपये देना है, घर में बैठकर नहीं एजुकेशन उसको 50% मिल जाएगा। तो जो गार्डियन को लगता है कि मुझे अपने बच्चे को क्या देना है और दाम भी, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन करे, वरना कोई दूसरा ऑप्शन। तो यही माइंडसेट था हमारा कि क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पर क्वालिटी भी जाए और साथ साथ प्राइस को भी कंट्रोल रखा जाए, ताकि आने वाले समय में हम क्वालिटी एजुकेशन को कम दाम पे लोगों तक पहुँचा सके। तो आप खुद देखिए डिजिटल राइस जहाँ पर 137 रुपये पर माइल, जहाँ पर 134 रुपये पर माइल के हिसाब से आ रहा है, यानी कि क्वालिटी भी मिल रही है और प्राइस को भी हमने कंट्रोल किया है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए कम दाम में, तो आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एपी लाइब्रेरी अक्रॉस द ग्लोब भी आ रही है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हो पा रहा है। इसको देना है ये समझना पड़ेगा आपको कि बहुत सारा ऐसा बच्चा जिनके पास रिसोर्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए सेंटर बेस्ड एजुकेशन ही बेस्ट है। यस या नो? यस। और जो बच्चा पढ़ सकता है जहाँ पर सेंटर नहीं है वहाँ पर हमारे पास रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है ऑनलाइन। हो पा रहा है? तो कोई भी स्मार्ट कॉमर्स या आई टी स्मार्ट को बंद करके यहाँ ना एंट्री करे। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आप आंकड़ा बेच रहे हैं, तो आप आंकड़ा बेच करके बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। बार बार कंपनी जब नया प्रोडक्ट एड ऑन करती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लेते हैं आप 100 माइल का बिजनेस करते हैं, तो आप नया 100 माइल का बिजनेस नए प्रोडक्ट के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पुराना बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरा एक दुकान है उड़ीसा के अंदर जहाँ पर 1.5-2 सामान लगता है, तो मैं वो दुकान बंद नहीं करूँगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और नया दुकान
और उससे ज्यादा आप स्मार्ट कॉमर्स में नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे रीजन की वजह से, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन मीडियम से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यस 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 समझ में आया कि नहीं? यस। क्वालिटी कम प्राइस में चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन इन कम प्राइस, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सामने वाले को देने का, टेक्स्ट ऑन देने का। यस क्लियर है? यस। अब अगर हम समझे, ऑनलाइन एजुकेशन दो टाइप का होता है, समझने का जरूरत है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि कई बार प्राइस का बात होता है, क्योंकि एक प्राइस है इंटरनल जो कंपनी का है, क्योंकि डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट के दाम के अंदर कमीशन और बोनस जुड़ा होता है। यस। कई बार आपको लगता है कि सर स्मार्ट कॉमर्स 18,000 की जगह 10,000 का बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन फिर बोनस और कमीशन माइल्स नहीं मिलेगा। बिना बोनस और बिना माइल्स के काम हो सकता है? नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टर बिजनेस में है, जो रिकमेंड कर रहा है उसको भी इनकम चाहिए और उसको भी अपने माइल्स चाहिए, ताकि अपने बिजनेस अपने इनकम लेवल और अच्छे कर पाए। तो हमेशा से कोई प्रोडक्ट जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है तो उसका नाम मार्केट के ट्रेडिशनल बिजनेस से आपको अलग ही मिलेगा। यस या नो? यस। अब चैलेंज क्या है कि जब आप जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल एजुकेशन भी टेक्निकली, तो आपके पास दो तरह के एजुकेशन होते हैं और दो तरह की ऑनलाइन डिलीवरी है। वन इज सिंक्रोनस और दूसरा है आपका एसिंक्रोनस। यानी कि ये दो तरह का ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर होता है मार्केट में। यानी कि आज की डेट में आप इंडिया चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने चले जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को देने का प्रयोग करेगा। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है हिंदी में आप समझ लेंगे, अपना उदाहरण भी आप दे सकते हैं। सिंक्रोनस मतलब आप में से कितने लोगों ने जूम पर कोई ट्रेनिंग लिया, जूम ट्रेनिंग सबने लिया है? जूम ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग देता है और जो लेता है वो दोनों लोग उसी टाइम पे लाइव होता है या रिकॉर्डिंग होती है? जैसे आज मान लेते वासुदेव सब रहे या स्वपन सब रहे या आपके श्यामल सब रहे, वो आज ट्रेनिंग होगा, तो वो ट्रेनिंग में जो सीनियर ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो जूनियर्स या टीम मेंबर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग लाइव होते हैं या नहीं होते? लाइव का मतलब समझते हो ना? यानी कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई खेल देखते हैं टीवी पर, तो लाइव दिखा रहता है लाइव। और जब आप सीरियल्स देखते हैं तो वहाँ पर लाइव वर्ड रेगुलर वो रिकॉर्डेड होता है, यानी कि नाटक हुआ, कभी हुआ, कटिंग हुआ, एडिटिंग हुआ, उसके बाद आपको दिखाया गया। उसको समझना है दूसरा तरीका, जैसे आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, तो वहाँ पर मेजर वीडियो जो आप देखते हो पहले से कोई बना के लोड कर देता है, कोई आदमी 10 दिन बाद देखता है, कोई आदमी 10 साल बाद देख रहा है, कोई आदमी 15 दिन बाद देख रहा है, यानी कि ट्रेनर और स्टूडेंट एक टाइम पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो जब आप एसिंक्रोनस लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको प्राइस कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि मेरा टीचर जो है वो एक बार स्टूडियो में गया, उसने पूरा क्लास रिकॉर्ड किया और मैंने उस रिकॉर्डिंग को एक जगह पर डाल दिया। अब आप यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उस रिकॉर्डिंग को देख पाते हो। वो सिस्टम में क्या है, टीचर ने एक बार मेहनत की, मैंने वीडियो एक बार बनवाया और अब मैं 10 साल तक चला रहा हूँ, 20 साल तक चला रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ लॉन्ग इनकम। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे केस में क्या है, टीचर और स्टूडेंट एक साथ लाइव रहते हैं, जिससे टीचर स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट टीचर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमें दिखाई देता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और टीचर भी अपना टाइम वहाँ पर दे पाता है। समझ में आया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस? यस सर। तो ये वाला जो एजुकेशन है, सिंक का मतलब क्या होता है, तालमेल, यानी कि टीचर और स्टूडेंट लाइव जहाँ पर है वहाँ पर सिंक्रोनस जरूरी होती है, ऑनलाइन ही है। और यहाँ पे क्या, पहले वीडियो डाल दिया तो कई आप अन अकेडमी या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखेंगे जहाँ पर 400 रुपए का कोर्स, 500 रुपए का कोर्स,
हजारों